सऊदी के क्राउन प्रिंस की मध्यस्थता की पेशकश हुई है, जिसमें रूस यूक्रेन के बीच सालिसी की पेशकश की गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच सालिसी की पेशकश सऊदी अरब की तरफ से की गई है। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने सालिसी की पेशकश की है, यानी किसी तरीके से ये जंग रुकनी चाहिए और इसके लिए अगर जरूरत पड़ती है सालिसी की तो उसके लिए क्राउन प्रिंस तैयार है। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने सालिसी की पेशकश की है कि वो बीच बचाव करा सकते हैं और दोनों के बीच जो है एक तरीके से बातचीत के दौर को आगे बढ़ा सकते हैं। इस वक्त की ये सबसे अहम खबर, सऊदी के क्राउन प्रिंस ने सालिसी की पेशकश की है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग लगातार चल रही है और 9 दिनों से लगातार जंग में कई लोगों की जान जा चुकी है, और अब इस पूरे हालात को मद्देनजर रखते हुए सऊदी के क्राउन प्रिंस ने सालिसी की पेशकश की है। रूस यूक्रेन के बीच सालिसी की पेशकश सऊदी के क्राउन प्रिंस की जानिब से की गई है। तो अमन मुज़ाकरात को तरजीह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तो अमन कैसे बहाल होगा, और इसीलिए सऊदी के क्राउन प्रिंस ने सालिसी की पेशकश की है। रूस यूक्रेन के बीच सालिसी की पेशकश की गई है क्योंकि मुसलसल लगातार वार किए जा रहे हैं और जो कई सारे इदारे हैं उनको निशाना बनाया गया है। ऐसे में जो बड़ी जानकारी हासिल हो पा रही है वो ये है कि सऊदी अरब ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस जंग का हल जल्द अज जल्द निकले, और इसीलिए सऊदी के क्राउन प्रिंस ने सालिसी की पेशकश की है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 9वां दिन है और कई सारे इंस्टीट्यूशंस तबाह हो चुके हैं, कई लोग इसमें हलाक हो चुके हैं, और इन हलाकतों को मद्देनजर रखते हुए रूस और यूक्रेन के बीच जो कशीदगी है उसको कम करने के लिए सालिसी की पेशकश सऊदी अरब की तरफ से की गई है। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने सालिसी की पेशकश की है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सऊदी अरब ने सालिसी की पेशकश की है क्योंकि लगातार इस जंग को मजीद बढ़ाने की कोशिशें तमाम ममालिक की तरफ से की जा रही है। कोई जौहरी सामान देने की बात कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके के हथियार देने की बात कर रहा है, कोई डिफेंस सिस्टम देने की बात कर रहा है, लेकिन ये बहुत अहम बात है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने सालिसी की पेशकश की है, यानी मध्यस्थता की पेशकश की गई है, और एक तरीके से वो मीडिएटर का रोल अदा करना चाहते हैं कि कम अज कम दोनों ही ममालिक के लोगों को समझाए, उनके वज़राए खारजा से बात की जाए, और साथ ही साथ जो खारजा सेक्रेटरी है उनसे अगर बातचीत होती है या फिर दोनों ही सदर से बातचीत होती है तो इस जंग पर फुल स्टॉप लग सकता है। यही वजह है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने सालिसी की पेशकश की है।